हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मेरे से कई बार बहुत लोगों ने ये पूछा है कि पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताएं, तो आज मैं पिगमेंटेशन के बारे में ही बात करने वाली हूँ। पिगमेंटेशन एक्चुअल में क्या है? पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी पर कहीं कहीं आपकी नेचुरल बॉडी से अलग डार्क कलर के पैचेस बन जाते हैं। ये देखने में खराब लगते हैं, वैसे इनका हेल्थ पर कोई ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि इसे अगर अगर पैचेस बन गए तो उससे आपकी हेल्थ खराब नहीं होती, बट कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इनके कारण। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये है क्या। एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो कलर है वो आपने देखा होगा, हर एक की बॉडी का सेम कलर तो नहीं होता, कोई गोरा है, काला है या गेहूं का रंग है, अलग अलग रंग के लोग होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंट सेल होते हैं जिनको मेलेनोसाइटिस कहते हैं, और ये मेलेनोसाइटिस एक पिगमेंट तैयार करते हैं जिसको मेलेनियन कहते हैं, और वो मेलेनियन हमारी बॉडी के कलर को दिखाता है, मतलब जिसका किसी का क्या कलर है वो उसी मेलेनियन से बनता है। लेकिन अगर ये मेलेनोसाइटिस डैमेज हो जाए, किसी कारण से इनको नुकसान हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा मेलेनियन बनाना शुरू कर देते हैं जो कहीं कहीं पर जमा होता है, और जो जब ये जहां भी एक्सेस में जमा होता है वहां पर डार्क पैचेस बन जाते हैं जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडीज में हो सकता है, या जो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती है उनमें हो सकता है, या जो IVF ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस से हो सकता है, सन एक्सपोजर, या फिर कभी कभी चोट लगने से भी हो जाता है, या कभी किसी मेडिकेशन से भी हो जाता है कि कोई दवाई ऐसी खा ली जिससे ये हो गया हो। तो ये इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, उसी के बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। 3-4 रेमेडीज हैं, आप इसमें से कोई भी अपना सकते हैं, कोई भी, और ये हर स्किन टोन के लिए सही होती हैं। आपको जो सूट करे आप लगा के देखें, जो सूट करे उसी को आगे कंटिन्यू करें और इस चीज़ को ठीक करें, और बिल्कुल ही आसान तरीके हैं सारे के सारे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, पोटैटो, ये देखिए सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है। अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया आपने, उसके बाद एक आलू लिया और उसको आपने काट दिया बीच से। अब कुछ नहीं करना, जहां डार्क पैचेज हैं, यहां है जहां भी है, बस सर्कुलर मोशन में इसको अपने चेहरे पर आपने रगड़ना है करीब 5 से 7 मिनट। तो आपको इस तरीके से रगड़ना है, सर्कुलर मोशन में आपने लेके आना है, आपने नीचे की तरफ नहीं खींचना, ऊपर की तरफ नहीं जाना, सर्कुलर मोशन में आपने चलना है। ये जब आपको लगे ये थोड़ा खुश्क हो गया है, इसमें से जूस अच्छे से निकल नहीं रहा है, आप 2 बूंद इसके ऊपर पानी डालें, और जो चाकू आपके हाथ में है उसी से इसको थोड़ा सा टक लगा दें, पानी फिर से आने लगेगा, और फिर उसको फिर से लगा लें। ये आप करीब 5 मिनट तक इस तरीके से आप अपने चेहरे की मसाज करें, चेहरे की या जहां भी आपको डार्क पैचेस बने हुए हैं, और उसके बाद उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और सादे पानी से धो लें। ये डेली अगर 2 बार करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर जो पैचेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं और चेहरा बिल्कुल क्लियर हो सकता है। तो ये तो हुआ सबसे आसान तरीका विद पोटैटो, आपकी सब्जी ने आपका काम कर दिया। इसके साथ कुछ और भी रेमेडीज हैं, जैसे एक हमने बनाया है एलोवेरा एंड हनी मिक्सचर, जिसको आपने चेहरे पर लगाना है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से आप लेंगे बाहर के, और आप इसको सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पिगमेंटेशन है वहीं आपने लगाना है, वहां आपने मसाज ज्यादा करनी है, लेकिन पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। तो लगाने का तरीका मैंने बता दिया आपको, आपने हल्के से मसलना है, और अब चलिए बाकी बातें करते हैं बनाते बनाते। मैं कुछ एक मिक्सचर बनाती हूँ जो बहुत बनाने में आसान है, और बिल्कुल मतलब जिसको कह सकते हैं एकदम सस्ते हैं, क्योंकि कुछ हमें बाहर से लेना ही नहीं है। तो चलिए पहले उन्हें बनाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एलोवेरा का जेल या एलोवेरा का जूस हम निकालेंगे इसमें से फ्रेश एकदम से, और इसको इस तरीके से काटना है, बीच में इसमें काफ़ी थिक गुद्दा होता है, उसको स्पून से आराम से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको स्मूथ करने के लिए हम मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंडर में डाल के और बारीक इसको एक बार पीस देंगे।
एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये डार्क स्पॉट्स को बहुत जल्दी ठीक करता है। स्किन की प्रॉब्लम को अगर दूर रखना है तो स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, और एलोवेरा एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। ये इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पिगमेंटेशन के लिए या जिसको मेलास्मा कहते हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और स्किन में एक ग्लो लेके आते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पीस देंगे पहले ताकि स्मूथ एक पेस्ट जैसा जूस जैसा बन जाए, और उसको छान के इसमें से कुछ भी गांठ नहीं बचेंगे, इस तरीके से इसको अलग कर लेंगे। तो मैं एलोवेरा के बारे में आपको बता रही थी, इसका प्रयोग तो हज़ारों सालों से होता है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। कॉस्मेटिक कंपनीज इसको यूज़ करती हैं सभी कॉस्मेटिक चीज़ों में, और ये स्किन सेल को ग्रो करने में, रीजनरेट करने में बहुत मदद करता है। मॉइस्चराइजिंग तो है ही है ये, इसमें क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और इसमें हमने मिलाया है हनी, हनी भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब जब चीज़ हम मिला के फेस पर अगर अप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं नहीं कहती हूँ कि आज आपने लगाया और कल पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसका अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब इसमें हम लेमन जूस भी मिला सकते हैं, तो इससे इसमें भी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ये मिक्सचर बन गया है। दूसरा हमने बनाया है ऑरेंज पील से, इसमें हम रॉ मिल्क मिलाएंगे और उसके साथ हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा मास्क बन जाएगा एक तरह का, जो पिगमेंटेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऑरेंज पील जो है वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, जो ऑयल आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है उसको एब्जॉर्ब करता है और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करके धीरे धीरे ख़त्म करता है। इवन एक्ने के मार्क्स या पिंपल के मार्क्स, जो मार्क्स भी आपके चेहरे पर या कोई चोट के मार्क्स भी रह गए हों तो उनको भी ये ठीक करने में बहुत मदद करता है। इसको भी हमने ग्राइंडर में डाल के पीस के ऐसे इसका जूस निकाला है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वैसे तो आप सुखा के इसका पाउडर बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हमने मिलाया एक चम्मच नींबू और दो चम्मच हमने मिलाया है दूध, कच्चा दूध, उबला हुआ बॉयल किया दूध नहीं है, कच्चा दूध है। इसको मिला करके आप अपने फ्रिज में रख लें और दिन में दो बार इसको लगाते रहें, महीने भर के बाद आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, और लगाने के 10 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से आप धो लें। लेमन और हनी में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमें यूवी डैमेज से बचाती है और मेलेनियन पिगमेंट को कम करती है, डार्क स्पॉट्स को कम करती है। तो देखा आपने, ये बनाने में मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अपनी चीज़ें दो इकट्ठी करनी है, बनाना है और उसको अप्लाई करना है। अप्लाई आपको डेली करना पड़ेगा, दिन में दो बार करना पड़ेगा, सादे पानी से मुँह धो लें और कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरा मानना यह है कि दवाइयों पर डिपेंड होने से अच्छा है कि अगर हम अपनी होम रेमिडीज से अपने आप को ठीक कर लें तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। आई होप आप इसको अपना के देखेंगे और जिनको भी प्रॉब्लम है उनको बहुत जल्दी से फायदा होने वाला है। और ऐसी रेमिडीज के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।